Morning students, today we will discuss the last question of exercise 7.3 and then we will move towards your exercise 7.4, that is optional one. ठीक है, तो 7.3 का last question, that is fifth question is, you have studied in class 9 that a median of a triangle, हमने class 9th में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक triangle है ABC और अगर AD उसका median है, if AD is the median of triangle ABC, देन ये जो ट्राइंगल है हमारी फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज सेकेंड ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये हमने पढ़ा था. जो मीडियन होता है, मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट. तो ये हमें ना प्रूफ करना. नाउ वी आर गिवन, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी हूज वर्टिसेस ए 4-6, बी इज 3-2, सी इज 5-2. तो हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ए डी इज द मीडियन है, ए डी इज द मीडियन, ये हमारा गिवन है. टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. ठीक है, अब फर्स्ट ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ए बी डी, अगर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे तभी हम ए बी डी का एरिया निकाल पाएंगे. ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के, ये हमें प्रूफ करना है. नाउ डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 3+5/2 एंड -2+2/2 दैट इज 4 एंड 0. तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 4 एंड 0. इसके बाद अब ट्राइंगल ये वाली फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकेंड दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, सेम जो आपका फॉर्मूला है यू विल अप्लाई दैट. ठीक है, यहाँ भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे कि दोनों का एरिया हमारा इक्वल आ रहा है. जस्ट क्या करना था, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, उसके बाद इस ट्राइंगल को छुपा दो, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, कैलकुलेट द एरिया, फिर इसको हटा दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, एरिया कैलकुलेट कीजिए एंड देखिए कि दोनों का एरिया बराबर आ रहा है. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 पे. तो वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन divides the line segment joining the points A, B, 2-2, 3 and 7. ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, एक दूसरी लाइन है 2x+y-4=0. ये लाइन इसके बीच में से जा रही है, तो हमें ये बताना है किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है. K इज टू 1 का रेशियो है. ठीक है, मान लो लाइन है L, L लाइन ए बी को C पॉइंट पे कट कर रही है. ठीक है, और हमें निकालना है K इज टू 1 का रेशियो, मतलब इस K की वैल्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रही है. नाउ हम लेट करते हैं जो C पॉइंट है, लेट पॉइंट C डिवाइड्स ए बी इन रेशियो K इज टू 1, तो देयरफोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बाय सेक्शन फॉर्मूला. तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, मान लो एक्स और वाई है इसके कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, के को इधर मल्टीप्लाई एंड वन को इधर, के इंटू 3+1 × 2, वाई में के प्लस 1, तो ये कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 3k+2/k+1. सिमिलरली y हो जाएगा हमारा k × 7, 1 × −2 / k+1. x और y आ गया,
अब ये जो पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे पास, विच आर 3k+2 k+1, 7k-2 और k+1। ये सी के कोऑर्डिनेट्स है। अब ये जो सी पॉइंट है, ये लाइन एल पे भी तो लाई करता है, सी पॉइंट एल लाइन पे लाई करता है। पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन एल, देयरफोर ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके इक्वेशन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने थर्ड आपके नाइन्थ में भी किए थे, अगर हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है 4x+3y=6, तो जो भी मैं पॉइंट दूंगी अगर इसके ऊपर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यही होता है। तो सी पॉइंट देयरफोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफोर 2 × x की जगह क्या पुट करूंगी, 3k+2/k+1 + y 7k-2/k+1 - 4=0। टेकिंग एलसीएम k+1 को मैं एलसीएम ले रही हूं, इसके नीचे 1 ले लेना, तो ट्वाइस ऑफ 3k+2 7k-2 - 4 × k+1=0। इस k+1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे, बाकी आपका आंसर बचेगा 6k 4 7k-2 = 0। यहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे 2/9, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया आपका, k रेशियो 1 होता है तो 2/9 रेशियो 1, तो रेशियो क्या आ गया 2:9, ठीक है। दिस इज योर, तो ये आपका आंसर आएगा 2:9, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स वाई 1, 2, 7, 0 आर कोलीनियर। ये हमें दिया हुआ है कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलीनियर, लेट इट बी ए, ये बी, ये सी। तो गिवन में क्या है, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलीनियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो एरिया होएगा, एरिया फॉर्म्ड बाय दीज थ्री पॉइंट्स, वो 0 होएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी 0। अगर ये ए की लाइन पे लाई करते हैं तो इनसे कोई ट्रायंगल तो बनेगी नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होएगा, 0। तो आप इसको x1y1, इसको x2y2, इसको x3y3 पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ x1y2 - y3, x2 और y3 - y1, x3 y1 - y2 = 0। पुट द वैल्यूज x1 मतलब x, y2 - y3 2 - 0 1, y3 - y1 + x3 y1 - y2 = 0। ये जो हाफ है, हाफ को उधर ले जाएंगे वो 0 हो जाएगा, बाकी आपका हुआ ये 2x - y 7y - 14 0, 2x + 6y - 14 = 0, टेकिंग 2 कॉमन, x + 3y - 7 = 0, 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो आपका रिलेशन आ गया x + 3y - 7 = 0, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो रिलेशन पूछा था ना, तो रिलेशन का मतलब यही होता है, कोई इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, एक्स और वाई के बीच में कोई इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें थर्ड
फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. एक सर्कल है जो तीन पॉइंट्स में से पास कर रहा है, ए बी सी, 6-6, 3-7 और 3-3. हमें इस सर्कल का सेंटर निकालना है. मान लो एक्स और वाई है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं ओ को बी से ज्वाइन करूँ ये रेडियस होएगा, ओ को सी से ज्वाइन करूँ ये भी रेडियस होएगा, ओ को ए से ज्वाइन किया ये भी रेडियस होएगा, और जो रेडियस होता है वो बराबर होता है. तो आई कैन से दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी. तीनों रेडियस है ये, ठीक है, तो ये तीनों बराबर होंगे. यहां से ना हम दो इक्वेशन लेंगे, एक बार तो हम लेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और एक बार लेंगे हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. ओ ए, ओ ए कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6-, यहां से लेते हैं x-6 का स्क्वायर y+6 का स्क्वायर एंड अंडर रूट इक्वल हो जाएगा ओ बी, x-3 का स्क्वायर + y+7 का स्क्वायर एंड ये अंडर रूट. ठीक है, पहले ये वाला पोर्शन कर रही हूं मैं. नाउ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एंड ऑन द राइट हैंड साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. अब जो कटता है आप उसको काट दीजिए, एक्स स्क्वायर कट रहा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर कट रहा है आपका, एंड जो बचा है हमारा दैट इज -12x, इसको इधर लेके आएंगे, +6x +12y -14y एंड ये आपका है 36 36 72 एंड हियर यू हैव 49 एंड 9. ठीक है, तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी -6x - 2y. ठीक है, और बाकी -58 and 14. ठीक है, तो ये आ गया. तो यू आर गेटिंग, अगर मैं इसमें से -6x - 2y + 14 = 0, अगर मैं इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो 3x + y - 7 = 0. माइनस 2 को डिवीजन में ले जाएंगे तो योर इक्वेशन इज 3x + y - 7 = 0. ठीक है, नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं. ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. ओ बी x-3 का स्क्वायर, ये देखिए ओ बी तो हमने यहाँ पे किया ही है अभी, तो ये सेम लिख रही हूं मैं, x-3 का स्क्वायर y+7 का स्क्वायर अंडर रूट ओ सी x-3 y-3 एंड इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. अब आप इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. ऑन द राइट हैंड साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. ठीक है, जो आपका कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, वाई स्क्वायर कैंसिल एंड आपका ये है 14y + 6y (9 - 49) एंड ये आपका आ गया 20y - 40y = -2. ठीक है भाई, y की वैल्यू आ चुकी है -2, पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो गया आपका 3x - 9 = 0, x आ गया आपका 9/3 दैट इज 3. तो x और y निकालना था तो सेंटर जो है हमारा O, उसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 3 और 2. दिस इज योर तो करा क्या है हमने इस क्वेश्चन में, बेसिकली तीन पॉइंट्स थे जिनमें से सर्कल पास हो रहा था, उसका सेंटर हमें निकालना था. ठीक है, तो ओ ए ओ बी ओ सी, तो हमें क्या करना है,
ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी ले लिया, इनमें से पेयरिंग कर ली, ओ ए और ओ बी को एक साथ ले लिया, फिर ओ बी और ओ सी को एक साथ ले लिया, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई आ जाएगा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।